नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनावल न्यूज खबर। और से पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान के नौरंगाबाद स्थित कैंप कार्यालय पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान के नौरंगाबाद स्थित कैंप कार्यालय पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर सत्सद नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में बने। भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की वकालत भी की। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधार में लाने के लिए जो काम किया है वह हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन ने की तथा संचालन सतपाल सिंह जाठव ने किया। इस पर नवनीत राणा, लाल बहादुर सिंह, नदीम मंसूरी, मुदित गुप्ता, अंकित चौहान, संजीव कुमार, विनोद राजपूत, अफजल अंसारी, जावेद अख्तर, जिला प्रवक्ता अहमद खिजर खान आदि उपस्थित रहे। आज हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर उनको नमन करता हूं। और आज पूरे प्रदेश में और देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बहुत ऐतिहासिक रूप में मनाई जा रही है। और शाम को दिन छिपने के बाद आज दलित दीपावली के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में दीपावली मनाई जाएगी उनके जन्मदिन के मौके पर। इस मौके पर मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस वर्ष से अल्लाह ताला से अपील करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता जहां भी हिंदुस्तान के निर्माता की जयंती के मौके पर आज सब खुशी मनाएं और उनको याद करें।